हाय, वेलकम टू हिंदुस्तान क्लासेस। मैं हूँ हर्षित राज। आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन करने वाले हैं क्लास टेंथ के। तो आज हम रियल नंबर के केवल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, प्रीवियस ईयर जो पिछले साल आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था एग्जाम में। फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। ये जो नंबर्स दिए गए हैं K, 2K, 3K, 4K, 5K, वेयर K इज एन ए पॉजिटिव इंटीजर। K जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें इन सब का HCF निकालना है। तो हम जानते हैं HCF वो होता है जो दो सब में कॉमन हो, मतलब जितने भी नंबर जिस नंबर का हमें HCF निकालना है तो उन सब में कॉमन जो रहता है वही हमारा HCF होता है। तो हम K, 2K, 3K, 4K और 5K, तो इन सब का हम फैक्टर करेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, 1 into K, इसका 2 into K, इसका 3 into K, इसका 4 into K और इसका 5 into K। तो हम इन सब में देख रहे हैं कि हमारा K ही कॉमन है। K क्या है, कॉमन है। तो हमारा HCF इसका क्या हो जाएगा, K। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 and 144 बाई द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। ये क्वेश्चन 2016 का है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम 90 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब हम HCF निकालेंगे। पहले HCF क्या आता है, जो इन दोनों में जैसे 2 के पावर 4 है और इसमें 2 है केवल, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 4 2 है, यहाँ पर 4 2 है। तो हम क्या, दोनों में 2 कितने कॉमन होंगे, तो 1 ही 2 कॉमन होंगे। 2 multiply by यहाँ पर देख सकते हैं 3 के पावर 2 यहाँ भी है, 3 के पावर 2 यहाँ भी है। तो दोनों में 3 के पावर 2 कॉमन हो सकते हैं। तो 3 के पावर 2 यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 5 कॉमन नहीं हो सकते हैं। तो HCF हमारा हो गया यही 2 into 9 यानी कि 18। और LCM क्या होता है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये है। तो हम हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे यानी 2 की पावर 4 और फिर 3 के पावर हाईएस्ट क्या है, तो 3 के पावर हाईएस्ट 2 ही है इसमें भी और इसमें भी। तो हम 3 के पावर 2 लेंगे और इसमें 5 नहीं है लेकिन इसमें 5 है, तो हम 5 को लेंगे। तो ये हमारा आ गया LCM। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 720। तो HCF में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं और LCM में मैक्सिमम पावर वाले को लेते हैं और जो दोनों में कॉमन ना हो उसको भी लिखते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers are 9 and 360। मतलब HCF 9 है और LCM 360 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर नंबर। मतलब हमारा LCM बराबर दिया गया है 360 और HCF दिया गया है 9 और एक नंबर दिया गया, वन नंबर यानी कि एक फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर 45 दिया गया, हमें सेकंड नंबर निकालना है, दो नंबर में निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है HCF इनटू LCM। हम मान लेते हैं दूसरा नंबर, सेकंड नंबर हम मान लेते हैं X है, सेकंड नंबर हम मान लिए X है। तो 45 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, 45 इंटू एक्स बराबर HCF इंटू LCM, HCF 9 इंटू LCM 360।
यहाँ से हम x निकाल लेंगे 9 इंटू 360 बाई 45। तो हमारा एज x बराबर क्या आ गया 72। इसी को हम माने थे सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 72, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं, ये भी एक टाइप का फैक्टराइजेशन भी है। तो ये भी मतलब इसका हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, यहाँ जेड, यहाँ वाई और यहाँ एक्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है यहाँ पर, ये इन दोनों का मल्टीपल है, यानी कि ये बराबर 5 × 371। मतलब जो ऊपर की संख्या से ये नीचे की संख्या है, इसके ऊपर जो एरो गया है ये वाला, ये इन दोनों का मल्टीपल है। तो जब हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वाई। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1855, तो ये आ जाता है हमारा 5565। जब यहाँ पर 5565 है, जब 5565 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1 3 0। तो हमारा एक्स आ गया, वाई आ गया, अब हम जेड निकालेंगे। तो जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ला रहे हैं तो हम इसको इसको डिवाइड इसको इससे डिवाइड दे देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 35 37 21। तो जेड बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 और 2017 में भी दो बार आ चुका है। एक्सप्लेन वेदर 3 × 12 × 101 + 4 इज ए प्राइम और ए कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं जिसका वन और सेल्फ मतलब खुद ही फैक्टर होता है, एक और सेल्फ मतलब एक हो या खुद वही हो उसका फैक्टर। कंपोजिट नंबर में होता है दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए इसको करते हैं 3 × 12 × 101 + 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 12, यहाँ से दोनों से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचा 3 × 3 × 101 + 1, ये आ जाएगा 4 × 9 3 3 9 909 + 1 4 × 910, ये हमारा आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसके दो फैक्टर ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, दो फैक्टर हमें यहीं पर ऑलरेडी दिख रहे हैं, और 4 के भी फैक्टर हो सकते हैं 2 × 2, और इसके भी 5 के टर्म में और 2 के टर्म में फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके हम देख सकते हैं एक 2 फैक्टर हो गया, एक 5 फैक्टर हो गया, और एक 1 भी हो जाएगा, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसके। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 306 और 657। मतलब ऐसा हमें नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा ऐसा नंबर जो 306 और 657 से भी डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा वो नंबर आ जाएगा जो इन दोनों से डिविजिबल है। तो हम एलसीएम निकालते हैं 306 और 657 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22338। तो ये वो मिनिमम नंबर हो गया जो कि इन दोनों से डिविजिबल है। इन दोनों से जो नंबर डिविजिबल है वो है 22338। तो हमने क्या किया, इन दोनों का सिंपली एलसीएम निकाल दिया, तो जो आया वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर हो गया जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। सातवां क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है बाय विच इतना शुड मल्टीप्लाई, जिसको कि इससे 1200 को मल्टीप्लाई किया जाए, सो दैट द स्क्वायर रूट, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जब स्क्वायर रूट निकाला जाए ऑफ द प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करने, इसमें हम एक कैसा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, जब हम स्क्वायर रूट दोनों के प्रोडक्ट का निकालें तो हमारा रेशनल नंबर आए। तो हम पहले 1200 का एलसीएम निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं 1200 का। तो यहाँ पर हमने 1200 का फैक्टर लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 का हम तो रूट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का रूट 2 की पावर 2, और 5 के स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 5। लेकिन हम 3 का रूट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंगल हैं, तो हम एक नंबर, तो हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रूट निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर स्क्वायर हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर का हम रूट निकाल देंगे 3 हो जाएगा। तो हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसमें जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट अ रूट विच इज रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर होगा। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रूट निकलेगा वो रेशनल नंबर होगा। तो पहले हमने क्या किया, फैक्टर निकाला, फैक्टर में देखा कि किसका किसका रूट निकल सकता है, तो 2 का रूट निकल जाएगा, 5 का भी निकल जाएगा, लेकिन 3 बच जा रहा है। तो हम 3 में एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 का भी रूट निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एच सी एफ एंड 125 एज देयर एल सी एम। तो हमारा कह रहा है कि क्या दो नंबर के 15 एच सी एफ और 175 एच सी एफ हो सकते हैं। तो एल सी एम कितना दिया है 175, और एच सी एफ 15। ये हो सकते हैं कि नहीं दोनों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एल सी एम को एच सी एफ पूरा डिवाइड दे देगा तो ये सही है, अगर नहीं दे पाएगा तो ये गलत है। तो हम पहले डिवाइड देख कर देख लेते हैं 175 को 15 से, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा डिवाइड नहीं दे पा रहा है, तो ये जो है ये गलत है। मतलब दो नंबर 15 एच सी एफ और 175 एल सी एम दो नंबर के नहीं हो सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने रीज़न लिख दिया है, सिंस 15 डज नॉट डिवाइड 175, जो 15 है 175 को डिवाइड नहीं करता है। एल सी एम ऑफ टू नंबर शुड बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाई देयर एच सी एफ, जो एल सी एम है वो एच सी एफ से जो है मस्ट बी शुड मतलब डिवाइड होना ही चाहिए, मतलब एल सी एम जो है एच सी एफ से डिवाइड होना ही चाहिए। अगर एल सी एम एच सी एफ से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो दोनों गलत है। टू नंबर का नॉट हैव देयर एच सी एफ 15 एंड एल सी एम 175। तो आज के वीडियो में इतना ही।